आइए सुबोध अग्रवाल के घर ईडी की कार्रवाई जारी है। करीब 11 घंटे से ईडी की ये कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें दस्तावेजों को खंगालने का काम किया जा रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी ईडी ने बुलाया है। लैपटॉप कंप्यूटर हार्ड ड्राइव और मोबाइल के डाटा को रिट्रीव करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं सुबोध अग्रवाल के घर से हमारे संवाददाता राकेश दादीच। राकेश, 11 घंटे हो गए हैं लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है और अब एक और अधिकारी सुबोध अग्रवाल के घर पहुंचे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, लगातार जो ईडी की टीम है वो सुबह से ही सर्च कर रही है और जो आईएएस सुबोध अग्रवाल है उनके घर पे अभी भी ईडी के जो अधिकारी है वो मौजूद है। अभी एक अधिकारी थोड़ी देर पहले जो सुबोध अग्रवाल है उनके घर पहुंचा है। लगातार सुबोध अग्रवाल के घर पे सर्च अभियान चल रहा है और यहाँ पर जो भी दस्तावेज बरामद हुए उनके बारे में बारीकी से पड़ताल चल रही है और फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट है उनको भी करीब 4 बजे बुलाया गया था, क्योंकि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है उसको भी चुटा लिया गया है और तमाम जो साक्ष्य ईडी ने जब्त किए हैं, क्योंकि जल भवन में भी लगातार ईडी की जो दूसरी टीम है वो लगातार वहाँ पर सर्च अभियान चला रखी है, क्योंकि वहाँ पर भी अभी अनवरत कार्रवाई जारी है। सचिवालय में भी ईडी की जो एक टीम थी उसने भी दस्तावेज खंगाले थे, वहाँ पर लगातार सर्च किया गया था। जो चीफ इंजीनियर है उनके ऑफिस में लगातार ईडी की जो टीम है सक्रिय रूप से काम कर रही है, क्योंकि अब जो ईडी का एक्शन है वो अब क्या होगा, क्योंकि लगातार सुबह से जिस तरह से प्रदेश में इतने व्यापक स्तर पे ईडी की जो टीमें हैं जिन्होंने एक्शन मोड पर ये पूरा यहाँ पर ताबड़तोड़ जो कार्रवाई की है उसको लेकर अब प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नेता है, उनको उन पर अब इस मामले को लेकर नज़र रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो ईडी के अधिकारी ने सुबह से ही सर्च अभियान में लगातार एक साथ दबिश दी है और दबिश देने के बाद जो साक्ष्य लिए हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। क्या और कोई भी अधिकारी है जो अभी ईडी के निशाने पर है, कोई इस बारे में कोई अपडेट? बिल्कुल, बहरहाल अभी जो जल मिशन में व्यापक भ्रष्टाचार के मामले को लेकर ईडी ने जो रेड मारी है उसमें कहीं 2 से 3 अधिकारी हैं जिनके घर पर ये रेड चल रही है, क्योंकि इससे इस जो पूरे घोटाले में कौन लोग शामिल है इसको लेकर ईडी के अधिकारी अभी खुलासा नहीं कर रहे, क्योंकि जहां जहां टीमों ने सर्च अभियान चलाया है वहां वहां टीमें लगातार जो अपनी जो कार्रवाई है उसको अमली जामा पहना रही है। क्योंकि आइए सुबोध अग्रवाल के घर पर अभी तक जो टीमें हैं लगातार सर्च कर रही है, पूछताछ जारी है और जो घर में तलाशी के दौरान जो दस्तावेज मिले हैं उनकी पड़ताल कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जो टीम है उनको बरामद हुआ है, जिस मोबाइल और जो लैपटॉप में जो लैपटॉप कंप्यूटर हार्ड ड्राइव और मोबाइल के डाटा को रिट्रीव करने के लिए बुलाया गया है, ऐसी खबरें आ रही थी। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है बड़ा इनपुट यहां पर टीम को मिला है। बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है वो ईडी के लिए अहम है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि जिस तरह से जो जल मिशन में जो व्यापक टेंडर है उनको लेकर पूछताछ की जा रही है और इसके अलावा अन्य जो ईडी जो अपने मापदंड के हिसाब से जो भी कार्रवाई को अमली जामा पहना रही है उसमें लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जो कड़ी से कड़ी जो इस घोटाले में जुड़ी हुई है उनके खिलाफ जो ईडी है वो साक्ष्य जुटा रही है, क्योंकि बहरहाल अभी कार्रवाई मौके पर जारी है और कार्रवाई जिस तरह से चल रही है सुबह से लेकर अब तक, क्योंकि अब देखा जा सकता है कि देर रात तक ये कार्रवाई चलेगी और कार्रवाई
चलने के बाद जो हम बातचीत करेंगे ईडी के अधिकारियों से जब बाहर निकलेंगे तो उनसे पूछेंगे कि सर्च के दौरान क्या क्या चीजें मिली है। बहरहाल अब फिलहाल जो अभी हमारे पास सुबोध अग्रवाल के घर के बाहर है, यहाँ तो कार्रवाई चल रही है जैसा कि आप बता रहे हैं। 2 से 3 अधिकारी चल रहा है विभाग के, ऐसे है जहां पर भी वो भी ईडी के निशाने पर है, वहां पर भी कार्रवाई चल रही है। वहां कितनी टीमें लगी हुई है और किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? बिल्कुल, बहरहाल जब सूत्रों के हवाले से हम बात करें तो करीब 3 से 4 टीमें हैं जो गोपनीय रूप से काम कर रही है, क्योंकि वो सीधा जो इनके ईडी के अधिकारी हैं उनके निर्देशन में पूरी कार्रवाई को अमली जमा पहनाया जा रहा है, क्योंकि लगातार ईडी इस जो घोटाला है उस पर नज़र बनाए रखी थी और ईडी ने अल सुबह ही प्रदेश में जो रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया, उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस घोटाले से जुड़े जो अन्य लोग हैं उनके खिलाफ भी ईडी व्यापक रूप से कार्रवाई करेगी। जी, तो कुल मिलाकर यही माना जाए राकेश कि जो सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया था 20,000 करोड़ का जलदाय जल जीवन मिशन को लेकर, उसी के तहत कार्रवाई हो रही है या और कुछ मामले भी है जिनका खुलासा अब होने लगा है? बिल्कुल, ये साफ तौर पे सामने आया कि जिस तरह से सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जब आरोप लगाया था और ईडी के यहाँ शिकायत की थी उसके बाद से ही ईडी सक्रिय रूप से काम कर रही थी और ईडी लगातार पूरे जो इस घोटाले पे नज़र बनाई हुई थी, चूँकि अब इस घोटाले में कौन कौन लोग शामिल है, चूँकि आइए सुबोध अग्रवाल एक बड़ा नाम है, आइए सुबोध अग्रवाल से पूछताछ की जा रही है पूरे मामले को लेकर और ईडी के जो अधिकारी है जो इन जो लोग शामिल इस घोटाले में उनसे भी परत दर परत पूछताछ ईडी आने वाले समय में जल्द करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।